నేను ఉంటా మళ్ళీ వస్తా. చలో साक्षी वाह। और आपका
स्माइल करते रहते हो yes. तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है लाइफ में? हमेशा स्माइल करना राइट, वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है स्माइल करना राइट. और दूसरी चीज क्या होती है सबसे इम्पोर्टेंट? अच्छा मैं टीचर नहीं हूँ बाय द वे, ओके आई एम योर फ्रेंड, तो मेरे को ऐसे दोस्त की तरह ट्रीट करो. ओके आई एम नॉट योर टीचर, ओके मैं आपकी दोस्त हूँ, तो आप मेरे को दोस्त की तरह आप कैसे अपने आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हो और बातें करते हो तो वैसे आप मेरे साथ प्ले कर सकते हो राइट. तो दूसरी चीज़ क्या होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं बैठ जाऊँ? यस थैंक यू. सो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्टडी तो होती है, वो तो सबसे मस्ती जो होती है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है कि सबसे ज़्यादा आपको लगता हो कि नहीं ये तो स्माइल तो है, स्माइल के अलावा और हम क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा नहीं बट अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा आपने बोला, बट सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, अंडरस्टैंड राइट, नो फाइटिंग, ये फाइट कुछ नहीं करना है. फ्रेंडशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट, आपके साथ आपके सी अभी आप लोग एक जगह पे हो, आज क्यों बड़े हो जाओगे आपको ये आप यू नेवर नो आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, आप लोग के ड्रीम्स क्या है, आप लोगों को बनना क्या भाई दूंगे डॉक्टर, तो मेरा इलाज पक्का करने वाले हो आप, जब तक तो यार मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, पता नहीं मैं रहूंगी कि नहीं. सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें एक दूसरे के साथ मिलके रहना राइट. और तीसरी चीज क्या हो सकती है, गेस करो आप लोग, क्या हो सकती है? नहीं ऐसा थोड़ा सोचो ना, कैंडी. सॉरी कैंडी. तीसरी चीज ये है कि अपने पेरेंट्स जो आपके मॉम एंड डैड जो हैं राइट, उनको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी से कि सी कभी भी मम्मी पापा जो होते हैं वो हमेशा हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं, शायद हमको ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं बट वो गलत नहीं होता है, वो हमेशा सही बोलते हैं. ओके सो हमेशा मॉम एंड डैड जो भी बोल रही हैं आपको या बोल रहे हैं उनको आप हमेशा सुनो, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि हमें ऐसा लगता है मम्मी हमें ये चाहिए बट वो बोलते नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं ले सकती हो या ये नहीं कर सकती हो, कि हमें फिर गुस्सा आ जाता है राइट. बट नहीं शायद वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो हमेशा रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ओके सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आज आप जब घर जाओगे आप लोग सारे के सारे अपनी मॉम को अपने डैड जो भी घर में होंगे उनको कस के एक हग करोगे, पक्का प्रॉमिस करने वाले हो ना, एकदम से हग करने वाले हो आप लोग. मुझे पता कैसे चलेगा आपने हग किया है, पर मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ फोन करके सब लोग मुझे फोन करके बोलोगे. दे आर वेरी ब्रिलियंट एक्चुअली, वेरी ब्रिलियंट. हम लोगों को इस एज में तो कुछ पता ही नहीं था, तुम लोग कितने टैलेंटेड हो यार, आप लोगों को सब कुछ पता है राइट. सो और बताओ और क्या चल रहा है लाइफ में नया, स्टडी के अलावा क्या चल रहा है, ये तो चलता ही रहता है. हस्ती क्या मतलब, दिन भर मस्ती स्टडी में और मस्ती में क्या करते हो आप लोग? बदमाशी. माय गॉड बदमाशी टॉप बॉय, मतलब मारते मारते हो लोगों को मुझे रात को आपको
सबसे पहले उठ के कौन खाने को बोलता है? मम्मा। मम्मी है ना सबसे नंबर वन, उसके अलावा कोई नहीं है नंबर वन, राइट? अपने आप से प्यार कर लो, ओके? लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप से प्यार करोगे तो लाइफ में बहुत ही सारा फर्स्ट तो मॉम है, सेकंड है अपने आप से प्यार करो। आप लगा ना आपके ज़्यादा आप ज़्यादा करती
डांस में अकेले कैसे करूंगी, वो तो आप लोगों को भी आना पड़ेगा ना, है ना? ¿Qué pasa?
बच्चे बहुत ही क्यूट है और लाइक सीरियसली जब मैं यहाँ पे आई क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यू नो यहाँ पे आना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस एरिया में आ रही हूँ। बट जैसे मैं एंटर जैसे मैं करती हूँ
और ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतने टैलेंटेड बच्चे, उनको देख के आई फील कि ओ गॉड, मैंने ये, मैं पहले क्यों नहीं आई, यू नो, मैं इतना टाइम क्यों लगाया आने में यहाँ पे. तो आई फील सो हैप्पी, वेरी हैप्पी, सीरियसली. कैसा एक्सपीरियंस था बच्चों से मिलने का? काफ़ी मैंने देखा है, काफ़ी एंजॉय भी किया आपने, ग्रीटिंग्स कार्ड भी मिले, डांस भी किया, तो उसके बारे में. फर्स्ट टाइम लाइक यू नो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, वो भी बच्चे, इतने प्यारे बच्चे ग्रीटिंग्स बना के लेके आए मेरे लिए. सो आई फील सो ब्लेस्ड एक्चुअली कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वो आपको इतना प्यार करते हैं. उनको पता चला कि मैं आ रही हूँ तो वो लोग रात से ही चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे देना है. और वो लोग इतने टैलेंटेड हैं, मतलब इनकी एज में तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें ये नहीं पता था कि बोलना कैसे है और चीज़ें कैसी करनी है. और दे आर सो टैलेंटेड कि उन्हें एक एक चीज़ पता है, डांस पता है वो, मतलब यू नो एक्ट कर सकते हैं और सिंगिंग कर सकते हैं. लाइक दे आर लाइक ब्रिलियंट एक्चुअली, यू नो, बहुत ही, मतलब ऐसे कम बच्चे देखने को मिलते हैं. मेरे लिए तो इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, हर दिन वुमेंस डे होता है. वाई कि एक दिन क्यों, एक दिन क्यों हम बोलते हैं कि एक ही दिन होता है? हमारे लिए हर दिन होता है. जब मम्मी सुबह उठ के चाय देती है और नाश्ता देती है, वो भी एक दिन वुमेंस डे होता है. तो हर दिन हमारे लिए वुमेंस डे है. और ख़ास करके ये दिन, क्योंकि ये हमेशा एक हर इंसान ने एक परंपरा जैसी चीज़ें बना रखी है कि नहीं, ये दिन हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे, इस दिन हम वुमेंस डे मनाएंगे. तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज के दिन यहाँ पे आके और ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मिलूं और उनके साथ मस्ती करूं और इन्जॉय करूं. तो सीरियसली, मतलब बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके. सी, मैं आइडल तो अपनी मॉम को मानती हूँ. मेरे लिए मेरी मॉम आइडल है. और मैं बचपन से श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, मैं मरते दम तक रहूँगी. और जो भी आज मैं करती हूँ, इनफैक्ट स्क्रीन पे मैंने जो भी आज सीखा है या जो भी कर पाती हूँ, सिर्फ उनकी वजह से कर पाती हूँ. सो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जो दो लेडी हैं, दो इंसान मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरी मॉम है और जो श्री जी भी थी. बॉलीवुड का इट्स लाइक आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब फेक हो रहा है, यू नो. बट सीरियसली, जैसे मुझे पता नहीं था कि ये हो गया है. मेरी मॉम ने, मैं सुबह सुबह सो के उठी और मेरी मॉम ने बोला कि अरे जल्दी से टीवी देखो, श्री जी नहीं है. मैंने बोला व्हाट, ऐसा हो ही नहीं सकता. बिकॉज समटाइम यू नो व्हाट हैपन, आप देखते होंगे ऑनलाइन ऐसे बहुत आते हैं कि ये एक्सपायर हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है. बट सडनली मैंने जैसे सोशल मीडिया पे गई और मैंने देखा कि, तो इट्स शॉकिंग. लाइक मैंने अपने आप को एक मिनट के लिए ऐसे किया, नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. बट जो मेरे 5 दिन थे, इतनी लाइफ में मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई थी जितनी मैं वो 5 दिन. और कहीं ना कहीं मुझे एक डर अंदर, आई डोंट नो किस चीज़ का डर था, एक डर इतना अंदर, एक डर बैठ गया है. और कहीं ना कहीं लोगों से और ज़्यादा प्यार हो चुका है जब से ये चीज़ें हुई हैं. यू नेवर नो कि आज आप हो और कल आप नहीं हो. सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था. और मुझे याद है आज से कुछ, मैं 3 साल पहले उनसे मिली थी. और मिली भी ऐसे थी कि लिफ्ट में हम लोग मिले थे. और मुझे याद है कि वो लिफ्ट के अंदर थी और सडनली लिफ्ट बंद होते के साथ ही उन्होंने फट से बटन ऑन किया और मुझे भी अंदर लिया. और मैंने इनको देखा, वो नूर, मतलब इतनी खूबसूरत, ओ माय गॉड. कहते ना कि ऊपर वाला जो अच्छे इंसान को हमेशा पहले लेके जाता है, तो वही उनके साथ हुआ. और मुझे याद है कि जब मैं लिफ्ट के अंदर आई थी तो उन्होंने मुझे सामने से, हाय, आप कैसी हैं, लाइक मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं हैं. अदर उसके बाद भी उन्होंने इतना पॉजिटिविटी मेरे को दिया और इतनी काम, इतनी डाउन टू अर्थ. सो मुझे लगा, ओ गॉड, काश ऐसा कुछ हो और मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करूं. बट कहते ना, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है. तो इट्स वेरी सैड, मतलब ये जो चीज़ें वो कभी वापस तो आ ही नहीं सकती हैं. तो
ये पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, मतलब ऐसे मेरे काफ़ी जानने वाले हैं। मेरी एक फैमिली में जो हैं उनकी जो भाभी है वो एडमिट हो चुकी हैं, उनको पता चला कि श्री जी नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप बिलीव करोगे कि उनके चाहने वाले कैसे थे, मतलब छोटा बच्चा से लेके एक बूढ़ा, हर कोई इंसान उनको चाहता था। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कुछ ऐसी चीज़ें ज़मीन पे भेजता है और फिर वो वापस बुला लेता है, बट इट्स वेरी सैड, मतलब बहुत ही ये बोलना बहुत ही छोटी चीज़ होगी, बट बहुत सैड फीलिंग है इस टाइम भी। और आज भी मुझे कभी कभी ऐसा, मैं उनके घर के तरफ से जाती हूँ तो मुझे लगता है वो शायद घर पे होंगी, और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नहीं जाऊँ, बट मैं जब भी जाती हूँ आई डोंट नो, उनका वो चेहरा, वो जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, वो सब कुछ मुझे, वो सब कुछ वैसे ही दिखता है। आई डोंट नो, मतलब मैं उनसे ज़्यादा कभी मिली नहीं, कभी मेरी बात नहीं हुई, एक बार से बात हुई, जो वो अटैचमेंट जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा, यू नो, मैं बहुत ज़्यादा उससे डाउन हूँ। मतलब मैं मस्ती करती हूँ, बट जैसे रात के टाइम में जब घर में होती हूँ, जब मैं बेड पे जाती हूँ, तो आई फील कि कुछ, मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरे आसपास चीज़ें हैं। आई एम नॉट स्कैर्ड कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, बट कुछ तो चीज़ें लाइक कुछ तो अजीब सा फील करती हूँ, बट बहुत बुरा लगता है मेरे को कि ऐसा क्यों ऐसा होता है, भगवान क्यों हमें, और भगवान ऐसा क्यों अच्छे लोगों को क्यों बुला लेते हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं, बट मैं कहती हूँ बट क्यों अच्छे लोगों को आप इतनी जल्दी क्यों बुला लेते हो, बट कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की कदर उनको भी है, शायद यहाँ पे इतना लोगों को, इतने लोगों को नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की कदर है। तो अभी क्या बोल सकते हैं, इट्स वेरी सैड सीरियसली। स्कूल के डेज मुझे याद आते हैं, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जब भी मैं जाती थी तो मुझे बस ये होता था कि मैं स्कूल से भागूं कैसे, और मैं हमेशा स्कूल से भाग जाती थी। बट कहते हैं ना कि चीज़ें पता तो चली जाती है, बट जब भी मौका मिले मैं स्कूल से, कहते हैं ना, छलांगे लगाना और निकल जाना, क्योंकि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। शायद मैं आज पढ़ लिख लेती, आज कुछ मैं अच्छा स्टडी करती, तो शायद मैं कुछ डॉक्टर वॉक्टर बन जाती। तो इसीलिए बच्चे लोग, आप लोग जो भी हो, स्कूल से बंक मत करो, भागो मत, स्टडी करो। और मुझे हमेशा वो मॉम डब्बे में, मुझे याद है कि पराठे और अचार दिया करती थी, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों से मिलके मुझे वो, उसकी जो खुशबू है वो मुझे आज याद आ गई, और ऐसा लगता है काश मैं आज भी स्कूल जा सकती तो कितना अच्छा होता। बट सीरियसली मिस तो बहुत मैं करती हूँ स्कूल को। अच्छा, आपको नाम भी पता चल गया, वाह सुपर, बड़े जासूस हो आप लोग यार। उसमें मैं मेन लीड कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम, दिस इज़ माय सेकंड टाइम जो मैं फिल्म कर रही हूँ, बट एज अ लीड कर रही हूँ उस फिल्म में। और दिस इज़ लाइक वेरी लाइक बहुत ही अलग स्टोरी थी, और कहीं ना कहीं मुझे हॉन्टेड चीज़ें बहुत ही यू नो एक्साइटमेंट होता है ऐसी चीज़ों को सुन के और देख के। तो मुझे जैसे मैंने स्टोरी सुनी तो मैंने बोला वाओ ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सो आई विल डू। टुमोरो, इनफैक्ट आज से मैं शूट करने वाली थी, बट ये मैं बच्चों की वजह से मैंने बोला मुझे नहीं करना है, सो टुमोरो आई एम शूटिंग। सी रोमांटिक का तो सभी लोग करते हैं, अब मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अलग करने के लिए कुछ अलग ही स्टोरी होनी चाहिए जो सब्जेक्ट पे आप काम कर सकते हो। और दूसरी चीज़ की इसमें से मैं जो कैरेक्टर ये कर रही हूँ, इसके अंदर मेरे दो फेस दिखेंगे, यू नो, एक कहीं ना कहीं आपको हॉन्टेड वाली चीज़ें भी दिखने वाली है, और कहीं ना कहीं एक आपको एक मासूम सी मरीना। और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये है कि इस फिल्म में जो मेरा नाम भी वो मरीना ही है,
सो आप ये देखिए कि फिल्म में नाम भी ये है और आई डोंट नो ये कैसे हुआ है और ये नाम भी उन्होंने यही रखा है, तो इट्स वेरी गुड कि मेरे को नाम का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. और दिस इज़ वेरी गुड कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और बहुत ही मसाला भी है और मस्ती भी है, बट हॉरर तो बहुत ही ज़्यादा है. पब्लिक डरेगी इस बार शायद. इनफैक्ट रिलीज़ तो मैं इनफैक्ट कल से शूट कर रही हूँ, सो आप देखो अभी 2-3-4-5 महीने तो जाएंगे इनफैक्ट इसको करने में. उसके बाद जल्दी जैसे रिलीजिंग का होगा ऑफकोर्स कि मेक श्योर कि आप लोग ऑन सेट भी आप मुझे मिलो और मैं ऑन सेट भी आप लोगों को डरा सकूँ और ऑडियंस को डरा सकूँ. सो लेट्स सी देखते हैं. इसमें जो है मयूर वर्मा है और एक नतालिया करके है जो उसके अंदर है, तो तीन कैरेक्टर मेन है इसके अंदर. सो मयूर है, नतालिया और मैं. सॉरी मैं अपने फैंस को सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, लव यू ऑल. जितने भी जो भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो भी मुझे आप देख पा रहे हैं, मैं आप सबको दिल से बहुत ही प्यार करती हूँ. ये सिर्फ वैसे नहीं बोल रही हूँ बट मैं दिल से बोलना चाहती हूँ. एंड थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट. आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, नहीं मैं आप लोगों से मिल पाती हूँ, नहीं बात कर पाती हूँ, बट उसके बाद भी आप मुझे प्यार करते हैं. एंड प्लीज़ मतलब ये रिक्वेस्ट बोलो, मैं एक हाथ जोड़ के मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स जितने भी आपके जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपकी मॉम है, फादर, लाइक व्हाटएवर जो भी हैं, लाइक उनके रिस्पेक्ट कीजिए, लाइक यू नो. और दूसरा कि औरतों की इज्जत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो भी फीमेल है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए. जो दिमाग में जो गंदगी है वो प्लीज़ निकाल के अच्छा सोचिए उनके लिए. एंड बस थैंक यू सो मच और लव यू ऑल. और प्लीज़ 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 मेरे को ऐसे प्यार करते रहिए. और मेरी फिल्म बहुत जल्दी आ रही है और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, प्लीज़ उसको देखना मत भूलिए. अभी से मैंने प्रमोशन करना शुरू कर दिया है. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. डन. हाथ क्यों डाल रहा है यार. कोई स्माइल तो करिए. स्माइल स्माइल नहीं कर रही है. नहीं सब बच्चे के साथ ले लो. अनमोल स्माइल. स्माइल स्माइल स्माइल. वेरी गुड. स्माइल प्लीज. बच्चे के साथ ही है. Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.